हमारे मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा जुड़े परिवारों के लिए उनकी पीड़ा को समझते हुए प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह निःशुल्क अन्नपूर्णा खाने के पैकेट दिए जाने की घोषणा की है। इससे इन परिवारों को इस महंगाई में अच्छी सहायता देने का काम किया है। सभापति महोदय, सामने बैठे मेरे प्रतिपक्ष के साथी बजट पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बजट को रेवड़ियाँ बांटना एवं खैरात बांटना बता रहे हैं और चुनावी बजट बता रहे हैं। तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी पार्टी के केंद्र में सरकार है और आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उज्ज्वल योजना में गैस कनेक्शन और एक सिलेंडर दिया था। वो सिलेंडर एक बार तो भरकर दिया, पर वो खाली होने के बाद सिलेंडर 1200 रुपये होने की वजह से एक गांव ढाणी एवं शहर का रोजगार रोजमर्रा की मजदूरी करने वाला उस सिलेंडर को भरा नहीं सका, तो सिलेंडर को खाली अलग से घर के कोने में रख दिया। उसकी पीड़ा को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने उस सिलेंडर को 500 रुपये में देने की घोषणा की है। अब आप लोग अपने प्रधानमंत्री जी से कहिए कि यह 500 रुपये केंद्र सरकार दे दे तो उन सभी परिवारों को निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा। ये तो आप बोल नहीं सकते हो और यहाँ इस बजट की क्रिटिसाइड कर रहे हो। सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री ने बिजली में जो पिछले बजट में जो 50 यूनिट फ्री देने की घोषणा की उसको डबल करते हुए 100 यूनिट बिजली फ्री किया। इससे बहुत सारे परिवारों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को अन्नदाता मानते हुए किसानों को 2000 यूनिट प्रतिमा फ्री देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभापति महोदय, युवाओं का भी ख्याल रखते हुए युवाओं के लिए जो युवा अपने निवास स्थान पर शिक्षण संस्थान तक जाने के लिए 75 किलोमीटर तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्री किया, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। युवाओं के लिए भर्ती परीक्षा में भी फार्म एक बार भरने के बाद सभी परीक्षाओं के फार्म निःशुल्क किया गया, ये भी बहुत सराहनीय कदम है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले थे पहले, उनकी मांग को देखते हुए हर ब्लॉक में, गांव और शहर में 1000-1000 स्कूल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में खोलने की घोषणा की है। ये राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों को अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल माध्यम स्कूल में पढ़ाने का जो सपना था वो साकार होता नजर आ रहा है। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख की जो पिछले बजट में घोषणा थी वो योजना चालू थी उसको बढ़ाकर 25 लाख और दुर्घटना बीमा में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया। ये पूरे प्रदेश देश में पहला प्रदेश है जो ऐसी योजना लागू की है। सभापति महोदय, धन्यवाद देना चाहूँगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर को नगरपालिका को नगर परिषद बनाया और एक विद्युत विभाग का अधीक्षण अभियंता कार्यालय खोलने की घोषणा की। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने घोषणा की कि समस्त ब्लॉक स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सक लगाने की घोषणा की है। मैं सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ और ध्यान देना आकर्षित करना चाहूँगा कि समस्त ब्लॉकों में जिस तरह होम्योपैथिक चिकित्सक लगाने की घोषणा की है उसी तरह यूनानी चिकित्सक भी लगाने की घोषणा करें और हर ब्लॉक स्तर पर एक यूनानी चिकित्सक लगाया जाए। एक सरकार ने जो नर्सिंग ऑफिसर 2022 की भर्ती की घोषणा की है उसमें अनुभव के आधार पर बोनस अंक मिलेगा। उस बोनस अंक में अनुभव की गणना 23 नवंबर 2022 तक की जा रही है। अनुभव गणना की तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 की जाए तो जिससे लगभग 3200 बेरोजगार युवाओं का इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। सभापति महोदय, अब मैं मेरा विधानसभा की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी का। मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में रामगढ़ शहर है, इसमें नगर पालिका भी है, SDM कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता का कार्यालय है और तकरीबन 30 से 40 गांव उस रामगढ़ शहर के नीचे लगते हैं। इसमें एक CHC है, CHC की OPD लगभग 700 से 1000 है। उसको ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण इलाके का ध्यान रखते हुए 30 बेड से बढ़ाकर उस हॉस्पिटल को 50 बेड का किया जाए ताकि रामगढ़ एवं ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। रामगढ़ शहर एक बहुत पुराना शहर है, इसके अंदर से एक सड़क जाती है बाजार के अंदर से, बिसाऊ झुंझुनू होते हुए दिल्ली जाने वाली सड़क गुजरती है। इससे आए दिन बाजार में ट्रैफिक जाम रहता है, अतः शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए रामगढ़ के एक बाईपास सड़क बनाई जाए।
फतेहपुर में एवं आसपास के इलाकों में बहुत सारे पशुपालक निवास करते हैं। एक बहुत बड़ा भेड़ प्रजनन फार्म भी है, अतः उसको देखते हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में एक पशुधन सहायक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए ताकि पशुपालकों को इनका लाभ मिल सके। फतेहपुर शहर में प्रवेश करने वाली एक मेन सड़क है जिस पर दो पुलिस थाने हैं, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय है, सब जेल है, PWD का कार्यालय है, PHD का कार्यालय है, शहर एवं ग्रामीण कार्यालय, राजकीय बालिका महाविद्यालय है, स्काउट गाइड का कार्यालय है, विद्युत विभाग के शहर एवं ग्रामीण के कार्यालय हैं, उप जिला अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर, नगर पालिका कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, उपखंड अधिकारी का निवास, तहसीलदार का निवास, सारे सरकारी जो कार्यालय वो उस रोड पर हैं, अधिकारियों के निवास उस रोड पर हैं। अतः मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इस सड़क के सौंदर्यीकरण के लिए एक बजट की घोषणा की जाए। एक नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया है, तो नगर परिषद के लिए एक टाउन हॉल भवन बनाने की बजट की मांग करता हूँ। मेरे विधानसभा में ग्राम पंचायत भीचरी में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने किया जावे, ग्राम पंचायत नयाबास में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए, फतेहपुर में ट्रॉमा सेंटर के नियमानुसार जितने ट्रॉमा में पद होते हैं उतने पद सृजित किए जाएँ, एक गालिंडा में आपके हमारे मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान CHC की घोषणा की थी, CHC बन गई लेकिन उसके भवन की अभाव है, इसलिए गालिंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का एवं कायमसर हरसावा खोटिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन का बजट दिया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक खुड़ी गांव है, उस गांव के लोगों की मांग है, वहां गांव के लोग ज़्यादा पशुपालक हैं, किसान हैं, उनकी मांग है कि हमारे गाँव में एक प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोला जाए, और गाँव वालों ने भूमि दान करके उस भूमि के ऊपर एक भवन भी बनाने की उन्होंने तैयारी कर रखी है, इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि गांव खुड़ी में ब्लॉक फतेहपुर में प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोला जाए। सभापति महोदय, में कुछ सड़कें हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की, एतम खां की दरगाह से बेसवा कांगन सर अलसर होते हुए हिरणा अठवास तक, एक बलोद बड़ी से ठेडी तक, कायम सर से ताकल सर तक, नारसरा से बीबीपुर तक, और फतेहपुर से चुवास तक, फतेहपुर से मांडेला तक, ये सड़कें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। और मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में रामगढ़ बहुत पुरानी तहसील है, उस तहसील में पद सृजित करने की, क्योंकि जितने पद सृजित होने चाहिए उतने पद उसमें सृजित नहीं है, मैं मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बजट की रिप्लाई दें तो उस तहसील में ये सारी घोषणाएँ पूरी करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। जय हिंद।